दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले ओमकार नगर चौक स्थित पिछले 20 से 25 सालों से बसे दुकानदारों पर मनपा के अतिक्रमण विभाग ने अवैध तरीके से कार्रवाई की है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी मनपा अतिक्रमण विभाग ने जबरन बुलडोजर चलाया, कोर्ट के आदेश की तोहिन की है। ऐसी जानकारी तिलक पत्रकार भवन में ओमकार नगर चौक के पीड़ित दुकानदारों ने पत्रकार समक्ष दी है। आइए देखते हैं। दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले ओमकार नगर चौक स्थित पिछले 20 से 25 सालों से दुकानदार अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मनपा के अतिक्रमण विभाग अपने दलबल के साथ ओमकार नगर पर पहुंचकर उन्होंने दुकानदारों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कुछ समय के लिए दुकानदार और अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं भी दिखाई दी। अतिक्रमण के अधिकारियों ने ट्रकों पर दुकानदार का माल जब्त किया। इस कार्यवाही का कई दुकानदारों ने विरोध भी किया। इस वजह से कई दुकानदार बेरोजगार भी हुए, उनके ऊपर भूखे मरने की भी नौबत आन पड़ी। अब जब अतिक्रमण के अधिकारी कार्यवाही कर रहे थे, तब कुछ दुकानदारों ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी अधिकारियों को दिखाया, लेकिन मनपा के अतिक्रमण अधिकारियों के अड़ियल रवैये के चलते कोर्ट के स्टे ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्ट के आदेश की तौहीन की गई। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानून सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग पत्र परिषद में पीड़ित दुकानदारों ने की है। अब आप ही बताइए, क्या दोषी अधिकारियों पर कानून कार्रवाई करेगा या फिर ढाक के तीन पांच जैसा काम होगा? इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तिलक पत्रकार भवन से संजय मीरे, ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।